दोस्तों फ्री में वीडियो का बैकग्राउंड नॉइस किस तरीके से रिमूव किया जाता है इस वीडियो में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जिस वीडियो का बैकग्राउंड नॉइज आपको रिमूव करना है तो आपको सिंपल उसको ले लीजिए। उसको लेने के बाद आप जो है चले जाइए कैपकट ऐप में। कैपकट ऐप यूज़ करना आपको पता ही होगा, वीपीएन लगाना पड़ता है। तो कैपकट ऐप जो है ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद वो जो वीडियो आप उसका बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करना चाहते हो वो वीडियो को ले लीजिए। वो वीडियो लेने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सिंपल उस वीडियो को ले लीजिए। यहाँ पे मैंने तो ले लिया ऐप की मदद से। ये देखिए इसको आप बैकग्राउंड नॉइज जो है मुझको रिमूव करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इस तरीके से ले लीजिए, इस पर जो है क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सब में लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा रिड्यूस नॉइज करके, कैपकट में मिलता है। तो आप कैपकट जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से डाउनलोड करना है तो वीडियो वगैरह देख लीजिए, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से कैपकट ऐप को जो है डाउनलोड करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे रिड्यूस नॉइज पर जो है क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे सिर्फ तो ऐप की मदद से किस तरीके। तो यहाँ पे इस तरीके से टिक करने के बाद आपका रिड्यूस हो जाएगा नॉइज। तो यहाँ पे इस तरीके से बढ़िया से कैपकट जो है रिड्यूस करके देता है बैकग्राउंड नॉइज को, और पूरी जो बैकग्राउंड की जो नॉइस आती है उसको रिमूव कर देता है। तो आप भी इस तरीके से कर लीजिए, इसको जो है टिक कर लीजिए और आपका नॉइस जो है बैकग्राउंड नॉइस जो है रिमूव हो जाएगा बढ़िया आसानी के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आईजी टेक चैनल।